To get some interesting tech tutorials and hacks, please subscribe my channel and hit the bell icon. Subscriptions are always free. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि वेब फॉर पेंटेस्टर ये आप कैसे VMware या तो फिर वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि वेब फॉर पेंटेस्टर क्या होता है। ये बेसिकली एक वर्चुअल मशीन है, जैसे मेटास्प्लॉइटेबल 2 या तो फिर वास्प ब्रोकन वेब एप्लीकेशन होता है, उनमें आप हैकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेब बेस्ड वल्नरेबिलिटीज़ को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप वेब बेस्ड वल्नरेबिलिटी इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने कोई भी फेवरेट ब्राउज़र पर गूगल पर चले जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए वेब फॉर पेंटेस्टर। सर्च रिजल्ट्स आ जाने के बाद जो पहला जो वेबसाइट है webpentesterlab.com/exercises/webforpentester, यहाँ पे आप इस पे विजिट कर लीजिए। साइट ओपन हो जाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ISO, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दीजिए और ये डाउनलोड हो जाएगा आपके लिए। ये काफ़ी छोटा फाइल है, 172 MB का है, कंपेयर टू मेटास्प्लॉइटेबल 2 जो कि लगभग 800 MB का होता है, और वास्प ब्रोकन वेब एप्लीकेशन वो तो लगभग 1.4 GB होता है। ठीक है, इसके बाद आप इस ब्राउज़र को बंद कर दीजिए और चले आइए VMware प्लेयर पे। इसको ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पे आप क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंस्टॉलर डिस्क इमेज सिलेक्ट कर लीजिए। ब्राउज पे जाइए, कहाँ पे है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। वेब फॉर पेंटेस्टर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट दबाता हूँ। यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे वही नाम देता हूँ, वेब फॉर पेंटेस्टर ESTER, एंटर दबाइए। स्टोरेज आप जितना दे 20 GB मिनिमम डिस्क साइज आप दे दीजिए, वो काफ़ी है। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट दबाइए। और यहाँ पे जो रैम है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये आप इसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 512 MB दिया रहेगा, अगर आप चाहे तो यहाँ पे अगर आप 200 MB दे देंगे फिर भी ये स्मूथली चलेगा। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपका जो रैम है कंप्यूटर का वो, अगर आप हैकिंग वगैरह ये सब वर्चुअल मशीन चलाना चाहते हैं तो मिनिमम 4 GB रैम आपको यूज़ करना ही होगा। तो अगर आपके पास 4 GB रैम है तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस छोटे से वर्चुअल मशीन को सिर्फ 200 MB रैम दे दीजिए, स्मूथली चलेगा। अगर आपके पास 8 GB मिनिमम रैम है तो आप 512 MB रहने दीजिए, ठीक है आपके लिए। तो मैं यहाँ पे इसको 200 MB रैम देकर क्लोज कर देता हूँ। मेरा जो लैपटॉप है इसमें 4 GB रैम है, इसलिए मैं इसको 200 MB दे रहा हूँ और इसको फिनिश कर दीजिए और ये मतलब स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा इसका। तो आप देखेंगे ये एक डेबियन बेस्ड वर्चुअल मशीन है, ये स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बस इसको मतलब नॉर्मली छोड़ दीजिए, कुछ भी सिलेक्ट वगैरह कुछ भी मत कीजिए, ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। इसको स्टार्ट होने तक आप वेट करिए, वेट करिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने सिर्फ 200 MB रैम दिया था और ये बस इतने समय में ही स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ifconfig दबाया था, ये एक लिनक्स टर्मिनल आ गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने ifconfig दबाया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लोकल IP एड्रेस आपको मिल गया है 192.168.184.139। अब चलिए देखते हैं कि इसका वेब इंटरफेस कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप उस वर्चुअल मशीन का मतलब वेब फॉर पेंटेस्टर का IP एड्रेस डाल दीजिए 192.168.184.139 और एंटर दबाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे XSS, SQL इंजेक्शन, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, फाइल इंक्लूड, कोड इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन, LDAP अटैक, फाइल अपलोड, XML अटैक। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कितने सारे मतलब हैकिंग प्रैक्टिस करने लायक ऑप्शंस आपको मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं XSS और SQL इंजेक्शन का 9 एग्जांपल्स है। यहाँ पे आप कोई भी सिंपल सा XSS का एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम इज इक्वल टू हैकर, यहाँ पे URL पे मैं यहाँ पे वो कोड इंजेक्ट कर देता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। इक्वल टू स्क्रिप्ट टैग अलर्ट ऑफ
पे या क्या टाइप कर दिए, स्क्रिप्ट टैग अलर्ट 1 2 3 क्लोज अप स्क्रिप्ट टैग, एंटर दबाते हैं, देखते हैं एक्सेसेस आता है कि नहीं। आप देख सकते हैं एक्सेसेस आ गया है। तो इस तरह से आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलता है, एसक्यूएल इंजेक्शन, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, फाइल इंक्लूड, कमांड इंजेक्शन, ये सब वगैरह। मैं इन सारे वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हालांकि एक्सेसेस और एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, फिर भी ये मैंने जितना भी वीडियोस बनाए हैं वो सिर्फ बेसिक चीज़ है। मैं इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर और भी वीडियोज़ बनाऊँगा, क्योंकि ये दोनों आप अगर आप बग हंटर है, बग बाउंटी हंटर है, तो आप इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक वल्नरेबिलिटी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, स्पेशली एक्सेसेस। एक्सेसेस एक ऐसा वल्नरेबिलिटी है जो आपको ज़्यादातर वेबसाइट में मिलेगा ही मिलेगा। ये एक ऐसा वल्नरेबिलिटी है, मोस्ट वेबसाइट्स आर वल्नरेबल टू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मोस्टली। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, मैंने आपने एसक्यूएल इंजेक्शन के जितने सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पे देखा है, उसमें मैंने एसक्यूएल मैप का इस्तेमाल नहीं किया था। तो मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा कि एसक्यूएल मैप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।